लोग यहाँ खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा। हाँ, ये सच है कि मैंने अर्शी को जाने नहीं दिया, शायद इसीलिए क्योंकि इसके लिए बुरा लग रहा था। पर क्या मैं सच में इसे चाहता हूँ? हर वक्त मुझे झनक का चेहरा दिखता है, मैं मान ही नहीं पा रहा कि अब वो हमारे बीच नहीं है, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। क्या उर्वशी रैना सच में आपकी माँ है? ये सच तो सभी लोग जानते हैं ना कि उर्वशी रैना की कभी शादी ही नहीं हुई। शायद उन्होंने ये बात आपसे आपकी भलाई के लिए छुपाई। सो डोंट यू थिंक कि उन्हें सम्मान देने के लिए आपको अपनी पहचान सबके सामने लानी चाहिए, आपकी असली पहचान। सॉरी सर, मैंने इस एंगल से सोचा ही नहीं। आप एकदम ठीक कह रहे हो और मैं तैयार हूं। गुड। अनिरुद्ध बेटा, जिंदगी हर चीज की आदत डलवा देती है। दुख दर्द हो, किसी के जाने का गम हो, और सच कहूं तो बेटा मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। और ऐसा लगता है जैसे विनायक ने अनी के मन की बात को ही पढ़ ली हो और अब उसे खुश देखना भी चाहता है। उसके पास वजह है अनी को खुश देखने का। और तुम आजकल के लड़कों जैसे नहीं हो, तुम्हारे अंदर बहुत गहराई है, इसीलिए मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। और देखना, बहुत जल्द तुम इस दर्द से बाहर भी हो जाओगे। दर्द? कैसा दर्द? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। अनी, अगर तुम ऐसे चुपचाप रहोगे तो सबको लगेगा कि तुम्हारी ये हालत इसलिए हुई है क्योंकि झनक इस दुनिया में नहीं है, और मुझे भी बुरा लगेगा। लेकिन झनक इस दुनिया से जा चुकी है और हम उसे वापस नहीं ला सकते। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? लेकिन आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि झनक जिंदा है। What? ऐसा लग रहा है कि कभी भी किसी भी वक्त वो यहाँ पे आ सकती है। और अब अनी की ये बात सुनकर अर्शी जितना चौंकती है उससे कहीं गुना ज्यादा सृष्टि और बाकी बोस परिवार वाले भी चौंकते हैं। अनी बेटा, जो इंसान मर चुका है वो जिंदा कैसे हो सकता है? और बेटा, इस दुख को अपने मन में रख के खुद को और दूसरों को तुम खुश कैसे रख पाओगे, बताओ? ये दुख इसका अपना है, और इस बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये ज्यादा सैड होगा। मुझे लगता है थोड़ा टाइम और स्पेस देना चाहिए, इस बारे में ना बात करें तो बेहतर होगा। देखो अनी, कोई कुछ भी कहे, सच तो ये है कि झनक मर चुकी है और कभी वापस नहीं आएगी। और अब अर्शी इतनी श्योरिटी के साथ ऐसे कैसे कह सकती है ये बात, ये सुनकर छोटौन को ताज्जुब होता है। क्या सिर्फ अनी को पाने के लिए अर्शी ऐसा बोल रही है? वहीं सृष्टि, ओके सो इस शनिवार को हमारी 25th वेडिंग एनिवर्सरी, और तुम्हें जल्द से जल्द ठीक होना है, ओके? और इन सबको लेकर आने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। नहीं आंटी, मैं अभी ठीक नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। अनिरुद्ध, सैटरडे को अभी 2-3 दिन है, और बेटा तुम्हारा वहां होना बहुत जरूरी है। तुम्हें आना ही होगा। विनायक ने ऐसा क्यों बोला कि अनिरुद्ध का वहां होना बहुत जरूरी है? ये राज और गहरा होता जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा होने नहीं दूंगी मैं इस राज के भी आगे जाऊंगी, और जिस तरह से इतने दिनों से मैंने अपनी जिंदगी को सजा के रखा है, उसी तरह से आगे भी सजा के ही रखूंगी। कुछ भी बर्बाद नहीं होने दूंगी मैं। लेकिन मेरा आना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि मैं कह रहा ना तुमसे, तुम आओगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और जहाँ ये महफिल में चेहरे पर कुछ और ही और जुबान पे कुछ और ही होती है, तो मुस्कुराएंगे तो सभी। इतनी अच्छी बात जो कही है विनायक ने, पर अब छोटौन, विनायक दादा आप कह रहे हैं ठीक है, लेकिन हम लोग अभी तक उस झटके से उबर नहीं पाए, और खासकर उससे
जिसे हम बहुत प्यार करते थे। हाँ, हमें इस झटके से उभरना होगा, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, सो प्लीज। ये उदासी घर बैठे बैठे तो नहीं जाएगी, इस पे काम करना होगा। और अनी के साथ मैं हूं, अनी मेरे साथ कंफर्टेबल है और ये बात हम दोनों जानते हैं। छोटौन, अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो आप, लेकिन अनी को मेरे साथ आना होगा। और अब अर्शी सबके सामने अनी के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है जिसकी आदत किसी को भी नहीं देखने की, खासकर छोटौन को। और अब एक सेकंड के लिए भी मैं अनी को अकेले नहीं छोड़ूंगी, सारा वक्त सिर्फ अनी के लिए। अनी मेरी प्रायोरिटी है और ये बात मैं समझ चुकी हूं। करियर वगैरह सब बाद में, सबसे पहले अनी। अनी तुम आओगे ना? कोशिश करूंगा मैं, लेकिन प्रॉमिस नहीं कर सकता क्योंकि अभी भी तबीयत खराब है मेरी। सैटरडे तक ठीक हो जाओगे तुम, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। देखो, आज से पहले कभी मैंने बोला है कि मैं तुम्हारा इस तरह से साथ दूंगी, लेकिन अब कह रही हूं, हनी मुझे समझ आ गया है कि हमारे बीच में जो भी दूरियां आई थी वो इसलिए थी क्योंकि हमने एक दूसरे को वक्त नहीं दिया। और अब जहां अर्शी इतनी मीठी मीठी बातें बोल रही है अनी से, वहीं खुशी की गुब्बारे तो फूट ही रहे हैं बहुतों के मन में। लेकिन अब से देंगे हम वक्त, ये दूरियां, ये गैप हमारे बीच कभी नहीं आएंगे अनी। तो हम मॉम और डैड की सालगिरह धूमधाम से मनाएंगे। हाँ, सबको आना है। और हाँ अंजना, मैं जानती हूं कि तुम हमेशा किचन में ही रहती हो, तो मैं तुम्हें भी इनवाइट करती हूँ, ओके? तुम्हें वहां किचन में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, अपने पति को साथ लेकर आना। और एक बार फिर व्यंग भरी बातें तो कर ही दी है सृष्टि अंजना की सबके सामने, पर अंजना को आज कोई नहीं रोक पाएगा सही जवाब देने से। सृष्टि जी, आप भी एक माँ है, मुझे लगा शायद आप समझेगी। छनक को मैंने अपनी बेटी माना था, अपनी बेटी जैसा प्यार किया था, और अभी अभी मैंने अपनी बेटी को खोया है। फिर भी आपको लगता है कि आपकी सालगिरह में मैं आ पाऊंगी? मुझसे ये नहीं होगा। देखिए, पार्टियां तो होती रहेगी, न्योते आते रहेंगे, और ये सज धज कर पार्टी में जाना मुझसे नहीं होगा। बेहतर होगा कि आप उन लोगों को बुलाइए जिनसे आपकी पार्टी में चार चांद लग जाए। आप ऐसे लोगों को बुलाइए, मुझसे नहीं होगा। और अब सभी अंजना की बातें सुनते हैं जो सामने से मना कर दी है इनके खुशियों में शामिल होने के लिए। मैं आप सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। आइए प्लीज। और जो चाय की बात से इतना बड़ा हंगामा शुरू हुआ था, वापस अंजना अपने घर की किचन में गई है क्योंकि अब भी उसमें जमीर बची है इस घर की बड़ी बहू होने के नाते। पर क्या अनी जाएगा सृष्टि और विनायक की एनिवर्सरी पर, क्योंकि इशारों इशारों में विनायक उसे बहुत कुछ बोलना चाहा है आज। पर अर्शी को क्या पता कि रिश्ते बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटी छोटी बातों को समझने से गहरी होती है। देखते रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक की आगे की सारी अपडेट्स।